हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम बच्चों क्या करेंगे, जो हमने डिफरेंशिएशन किया है पार्ट्स, ठीक है, जो हमारे पास डिफरेंशिएशन था उसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ये काफ़ी बार आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके हरियाणा बोर्ड है उसमें भी पूछे जाते हैं, ये शायद 20 नंबर के पूछे जाते हैं आपके पास। ठीक है, तो आप ये आपके पास क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है, वाई फंक्शन दे रखा है आपके पास। ठीक है, क्या दे रखा है, वाई फंक्शन दे रखा है, और आपसे क्या पूछ रखा है कि जो आपके पास वाई है ना उसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट निकालना आपको, एक्स के रिस्पेक्ट। तो आपने बहुत क्वेश्चन किए थे क्या, आपके पास वाई है उसका किसके रिस्पेक्ट करना आपको, एक्स के, यानी आपके पास वाई फंक्शन है उसका किसके रिस्पेक्ट कर देंगे, एक्स के रिस्पेक्ट। देखो सोल्यूशन बच्चों, वी हैव वाई कितना दे रखा है बच्चों आपके पास, 5e3x प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये दे रखा है आपके पास, आपके पास यहाँ पे वाई किसका फंक्शन है, एक्स का। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, दैट इज वाई आपके पास फंक्शन किसका है, एक्स का। तो आप क्या करोगे, इसका आपको चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो आप यहाँ से क्या कर दोगे, डिफ्रेसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या कर दोगे, इसका डिफ्रेसिएशन कर दोगे किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट। तो आपके पास कितना आएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स 5e3x प्लस साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स। अब ये देखो आपके पास क्या है, सम ऑफ टू फंक्शन है, तो सम ऑफ टू फंक्शन आप क्या कर दोगे, यू का अलग और वी का अलग कर दोगे। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, डी वाई डी एक्स 5e3x प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, हो गया यहाँ पे आपके पास। ठीक है, अब आगे देखो, ये आपके पास किस टाइप का होगा, सी इंटू एफ एक्स, कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कॉन्स्टेंट को बाहर ले आते हो, डी वाई डी एक्स ई टू दी पावर 3x प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल चल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स के। तो ये आपके पास किसके इक्वल है, डी वाई बाई डी एक्स के। ठीक है, अब ये बताओ ए टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ए टू दी पावर एक्स होता है, बट यहाँ पे आपके पास क्या है, ई टू दी पावर 3x। तो ई टू दी पावर 3x का आपके पास कितना आ जाता है, ए टू दी पावर 3x का सेम आएगा। फिर जो आपके पास किसका करोगे, 3x का, 3x का कितना आ जाएगा आपके पास, देखो ई टू दी पावर 3x, फिर किसका करोगे, डी वाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस साइन एक्स का कोस एक्स, साइन एक्स का कितना होता है आपके पास, कोस एक्स, और फिर एक्स का एक्स के साथ करोगे तो वन आ जाएगा आपके पास। यहाँ से कितना आ गया, ई टू दी पावर 3x, यहाँ से 3 क्या है, कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, डी एक्स का डी एक्स के साथ वन कोस एक्स। ठीक है, ये वन, 5 × 3 कितना, 15 ई टू दी पावर 3x प्लस कोस एक्स, किसके इक्वल है ये, डी वाई बाई डी एक्स के। आपके पास क्या निकल के आ गया, डी वाई बाई डी एक्स 15e3x प्लस कोस एक्स, जो आपके पास क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, 15e3x प्लस कोस एक्स, आपके पास इस फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 15e3x प्लस कोस एक्स। ठीक है बच्चों, देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दे रखा है इसके अंदर, आपके पास गिवन दे रखा है वाई फंक्शन, क्या वाई फंक्शन दे रखा है आपके पास, एक्स टू द पावर क्यूब इंटू लॉग एक्स, नेचुरल लॉग एक्स दे रखा है आपके पास, क्या दे रखा है, डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपके पास वाई फंक्शन दे रखा है, एक्स टू द पावर 3 इंटू लॉग एन। ठीक है, लॉग एक्स, लॉग एक्स, तो इसका सॉल्यूशन देखो कितना आएगा, वी हैव वाई आपके पास कितना दे रखा है, एक्स क्यूब लॉग एक्स। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से आपके पास वाई फंक्शन किसके अंदर है, दैट इज वाई आपके पास किसके अंदर है, एफ एक्स के अंदर। तो आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स एक्स क्यूब एल एन एक्स हो जाएगा। आपके पास क्या किया, आपने जो वाई था उसका किसके रिस्पेक्ट कर दिया, एक्स के रिस्पेक्ट, कितना आ जाएगा, डी वाई डी एक्स एक्स क्यूब इंटू एल एन एक्स, यानी नेचुरल लॉग एक्स। ठीक है, अब ये देखो ये आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स है, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, आप क्या अप्लाई कर दोगे यहाँ से,
डी बाई डी एक्स यू वी, यू इन टू वी, तो यहाँ से कितना जाता है u एज इट इज v का डिफ्रेंसिएशन, एक एज इट इज रहता है पहले दूसरे का डिफ्रेंसिएशन होता है, प्लस जिसका हो चुका है उसको सेम रखो और किसका कर दो पहले वाले का, ठीक है ऐसे ही होता है। यहाँ से आप कर दो अप्लाई, कितना आ जाएगा देखो, x क्यूब को क्या रखो सेम रखो, किसका कर दोगे डी वाई डी एक्स एल एन एक्स प्लस, अब एल एन एक्स को क्या रखो एज इट इज रखो, किसका कर दोगे x क्यूब का डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, हो गया यहाँ तक। अब ये देखो लॉग x का कितना होता है आपके पास बच्चों, लॉग x का होता है 1 बाई एक्स, फिर किसका करते हैं x का x के रिस्पेक्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा x क्यूब बाई एक्स, ठीक है प्लस एल एन एक्स, यहाँ से देखो x टू द पावर n, x टू द पावर n क्या होता है आपके पास डिफ्रेंसिएशन डी वाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n का कितना होता है n पावर आगे आ जाती है, एक पावर क्या हो जाती है कम हो जाती है, फिर किसका करते हो बेस का, पहले पावर को ओपन करते हैं फिर बेस का फिर एंगल का, ठीक है तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर, फिर आप किसका करोगे बेस का करोगे, बेस एक्स है एक्स का एक्स के साथ कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना है डी वाई बाई डी एक्स के साथ, ठीक है यहाँ से आप क्या हो जाएगा एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर एल एन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है अब ये देख थ्री एक्स स्क्वायर है, थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है थ्री एक्स स्क्वायर, अब ये देखो ऑप्शन के अंदर देखो क्या ये आपके पास है कहीं पे, देखो ये नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं आएगा हमारे पास, थ्री एक्स स्क्वायर एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा ऑप्शन बी आएगा, इसका क्या आएगा ऑप्शन बी, क्या आएगा हमारे पास इसका ऑप्शन बी आएगा, और बाकी तीनों हमारे पास क्या नहीं आएंगे, इसके अंदर कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है देखो क्वेश्चन आपके पास इफ एफ एक्स जो फंक्शन दे रखा है आपके पास कितना देखा है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस टेन, ठीक है आपके पास क्या है फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है वो किस पर चेक करवा रखा है इसने एक्स इज इक्वल टू टू पे, ये आपके पास एफ एक्स है इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर हमारे पास क्या करेंगे जो हमारे पास इसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा उसकी जगह एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे टू, जब जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास किस पर आएगी एफ डैश टू की वैल्यू आएगी, ठीक है तो देखो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन आपके पास क्या दे रखा है द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस टेन, ठीक है हमारे पास क्या कर देंगे इसका डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट कितना जाएगा एफ एक्स का करेंगे तो एफ डैश एक्स डी वाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस टेन, ठीक है यही आएगा। अब ये हमारे पास क्या है सम ऑफ थ्री फंक्शन यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, तो हम क्या कर दें यू का अलग वी का अलग और डब्ल्यू का अलग, तो यहाँ से डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स टेन, यही आ जाएगा। अब यहाँ से देखो x टू दी पावर n, n पावर आगे आ जाती है ना, तो यहाँ से x की पावर कितनी है थ्री है, तो थ्री आगे आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, फिर किसका करेंगे x का विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा वन आ जाएगा, ठीक है यहाँ से कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट को बाहर ले लो dx का dx के साथ वन आ जाएगा, ठीक है और कॉन्स्टेंट टर्म का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है, तो हमारे पास कितना आ गया एफ डैश एक्स हमारे पास थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस टू निकल के आ गया, कितना आ गया थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस टू, ठीक है अब हम क्या पुट कर देंगे एट x इजिकल टू टू पर, x इजिकल टू टू पे क्या पुट करेंगे f डैश x आपके पास कितना आया है थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस टू, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे x डैश टू, अब यहाँ पे x की जगह क्या रख दोगे टू रख दो, कितना आएगा टू का स्क्वेयर माइनस टू, टू का स्क्वेयर कितना होता है फोर इंटू थ्री कितना हो जाएगा बारह माइनस टू कितना हो जाएगा आपके पास टेन, तो एफ डैश टू पे आपके पास कितनी वैल्यू आ गई टेन आ गई, अब ये देखो टेन आपके पास कहाँ पे है फर्स्ट पे, बाकी ये आपके पास तीनों क्या है ऑप्शंस गलत है, ठीक है बच्चों देखो
फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास बच्चों, देखो क्या दे रखा है, इफ वाई इज इक्वल टू 4 to the power x, देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, y डैश, यानी आपके पास क्या करना है, y का किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट, ठीक है। आपके पास क्या था, y किसके अंदर फंक्शन था, x के अंदर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, dy by dx फाइंड आउट करना है। जो y डैश है इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, dy by dx, ठीक है, dy by dx भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास फंक्शन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 4 to the power x, ठीक है। तो इसको लेकर चलेंगे, देखो सोल्यूशन, We have y is equal to 4 to the power x। अब ये देखो आपके पास a to the power x क्या है, आपके पास a to the power x, ठीक है। अब क्या कर दोगे, log अप्लाई कर दो, log अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, taking log on both side, क्या कर दो, log on both side अप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा यहां से, log y is equal to log 4 to the power x। आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, log m टू दी पावर n कितना होता है, n पावर आगे आ जाती है, log m हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x आगे आ जाएगा, log 4 आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, x आगे आ जाएगा, log 4 आ जाएगा, ठीक है, हो गया यहाँ तक। देखो अब आपके पास ये कितना आ गया, log y आ गया, ठीक है। अब ये देखो, अब क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या किसके रिस्पेक्ट कर दोगे, x के रिस्पेक्ट क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएशन, तो करोगे तो कितना आएगा, log y का कितना आएगा, 1 by y, फिर कितना आएगा, y का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, हो गया यहाँ से। अब ये देखो log 4 तो आपके पास कितना है, कॉन्स्टेंट है, x का विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास dy by dx कितना निकल के आ गया, dy by dx कितना निकल के आ गया, log of 4 इंटू y, ठीक है। अब ये देखो y हमारे पास क्या था, 4 to the power x, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, dy by dx, y की वैल्यू पुटअप कर दो कितनी आ जाएगी आपके पास, y की वैल्यू पुटअप करोगे तो कितनी है, 4 to the power x इंटू log कितना है, 4 है। देखो यहाँ कोई आंसर है, यहाँ पे देखो 4 to the power x log 4, देखो ये नहीं है, ये भी नहीं है, 4 to the power x थर्ड है हमारे पास, हमारे पास कौन सा है आंसर है इसके अंदर, थर्ड आंसर है, ठीक है। देखो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा हमारे पास क्या, इफ वाई आपके पास फंक्शन दे रखा है √x + 1, तब आपके पास क्या फाइंड आउट करना है, वाई डैश, यानी आपके पास वाई दे रखा है उसका डिफ्रेंशिएशन करना आपको, ठीक है, वन टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी आपके पास क्या करना है, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, dy by dx, ठीक है। वाई का आपके पास किसके रिस्पेक्ट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट, या तो आप वाई डैश लिख दो उसको या dy by dx लिख दो, ठीक है। तो आप यहाँ पे फंक्शन लेके चलोगे क्या, सोल्यूशन, वी हैव y इज इक्वल टू √x + 1, दैट इज y आपके पास फंक्शन किसके अंदर है, fx, y इज इक्वल टू fx, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, dy dx, यहाँ पे कितना है, √x + 1, ठीक है। अब जब मैंने बताया था कि जब भी आपके पास क्या हो, रूट हो, तो रूट को क्या कर देना, ओपन कर देना, तो ओपन करोगे तो पावर में आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा, 1/2। अब इसको कंप्लीट को क्या ट्रीट करो, एक्स, एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन का क्या होता है आपके पास, डिफ्रेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का आपके पास क्या होता है, एन पावर आगे आ जाती है और एक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर किसका करते हो, बेस का, बेस आपके पास x का, x के साथ करोगे कितना आ जाएगा, 1, तो आपके पास कितना आ जाएगा, n x टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 1/2 आगे आ जाएगा, एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 1/2 - 1, तो माइनस 1 है तो कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। फिर किसका करोगे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 का, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखो आगे, यहाँ से आपके पास कितना आ गया, 1/2, अब ये देखो -1/2 मैं नीचे ले जाऊंगा तो +1/2 हो जाएगा, x + 1 की पावर 1/2, ठीक है। अब ये देखो u + v आपके पास क्या है, सम ऑफ
टू फंक्शन है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट का अलग कर दोगे और सेकंड का अलग कर दोगे, ठीक है। तो इसका वन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपके पास किसके इक्वल चल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स के, ठीक है। अब ये देखो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, और ये कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट का कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से हमारे पास कितना निकल के आ गया, वन बाई टू, अब एक्स प्लस वन है और इसकी पावर वन बाई टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, रूट लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, वन प्लस जीरो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास कितना आ गया, वन बाई टू रूट एक्स प्लस वन, ठीक है। ये आपके पास क्या निकल के आ गया, रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन निकल के आ गया हमारे पास किस फंक्शन का, इस फंक्शन का। देखो ये कौन सा आंसर आपके पास, ये है नहीं है, इसका मतलब पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, इसका मतलब हमारे पास कौन सा आंसर ठीक है, आंसर डी, ठीक है। जो ऑप्शन आपके पास डी है वो आपके पास करेक्ट है, ठीक। देखो सिक्स क्वेश्चन हमारे पास, सिक्स में क्या पूछ रखा है, कंसिडर द वेलोसिटी ऑफ द कार। हमने क्या किया, जो हमारे पास कोई कार है उसकी हमने वेलोसिटी क्या कंसिडर कर ली, इसके इक्वल वी इज इक्वल टू टू टी क्यूब प्लस थ्री टी स्क्वेयर माइनस टू टी, ठीक है। ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार है, ठीक है। तब हमने क्या प्रूफ करना है कि हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी दे रखी है, हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है, किस पर, फोर, जब टाइम आपके पास किसके इक्वल हो, टू यूनिट्स के, ठीक है। जब आपके पास टाइम कितना है, टू है, ठीक है। तो हम क्या लेके चलेंगे, वेलोसिटी लेके चलेंगे और क्या निकाल देंगे, एक्सीलरेशन। अब आपको पता है जो एक्सीलरेशन होता है, जो एक्सीलरेशन होता है आपके पास वो क्या होता है, आपके पास रेट ऑफ चेंज किसका, वेलोसिटी का, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, ये रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी विद टाइम, जो आपके पास रेट ऑफ चेंज किसका, वेलोसिटी का, किसके रिस्पेक्ट, टाइम, ठीक है। जो आपके पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है ना आपके पास वेलोसिटी का, ठीक है, वही आपके पास क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो आपके पास वेलोसिटी अपॉन टाइम आएगा वो आपके पास कितना आएगा, एक्सीलरेशन आएगा। तो एक्सीलरेशन आपके पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये आपके पास क्या कहलाएगा, एक्सीलरेशन कहलाएगा। अब जो हमारे पास वेलोसिटी दे रखी है, इसने एक्सीलरेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ही क्या कहलाता है हमारे पास, वेलोसिटी। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था, जब भी आपके पास रेट ऑफ चेंज, ये आपके पास कहीं पे भी आ जाए रेट ऑफ चेंज, तो इसका मतलब आपके पास क्या करना है, उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करोगे, किसके रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये देखो आपके पास वेलोसिटी दे रखी है, देखो कितना आएगा यहाँ से, सॉल्यूशन वी आपके पास कितना दे रखा है बताओ, टू टी क्यू प्लस थ्री टी स्क्वेयर माइनस टू टी, ठीक है। ये आपके पास वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, इसका मतलब दैट इज वी आपके पास फंक्शन किसके अंदर है, टी के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो डी वी बाई डी टी, ठीक है, डी वी बाई डी टी कितना आ जाएगा, डी बाई डी टी, जो आपके पास वी कितना दे रखा है, टू टी क्यू प्लस थ्री टी स्क्वेयर माइनस टू टी, यही दे रखा है। आपके पास क्या है, यू फंक्शन है प्लस वी फंक्शन है प्लस डब्ल्यू फंक्शन है, तो आप क्या करोगे, यू का अलग, वी का अलग और डब्ल्यू का अलग करोगे, ठीक है। तो यहाँ से अलग अलग कर लो इनको, डी बाई डी टी टू टी क्यू प्लस डी बाई डी टी थ्री टी स्क्वेयर माइनस डी बाई डी टी टू टी, ठीक है, ये आ गया। अब आगे देखो कितना डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, यहाँ से किसके इक्वल चल रहा है, डी वी बाई डी टी के, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, ये देखो ये कितना आ जाएगा, टू का आपके पास कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, टी क्यूब का कितना हो जाएगा, थ्री पावर आगे आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी टी स्क्वेयर। फिर क्या करोगे, टी का विद रिस्पेक्ट टू टी कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ से थ्री बार आ जाएगा और टू पावर जो ऊपर है वो क्या आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर किसका करोगे, टी का विद रिस्पेक्ट टू टी कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है, माइनस टू का आ जाएगा बाहर आ जाएगा,
टी का विद रिस्पेक्ट टू टी वन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया, सिक्स टी स्क्वेयर प्लस सिक्स टी माइनस टू। ये तो आपके पास क्या आ गया, डी वी बाई डी टी, यानी ये आपके पास क्या आ गया, एक्सीलेशन आ गया, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हो, एक्सीलेशन को या तो आप किससे डिनोट कर दो, ए से, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू ए, जो आपके पास क्या होता है, एक्सीलेशन होता है कैपिटल, ठीक है। इसको कैपिटल लिख दो चाहे, ठीक है, या इसको कैपिटल लिख दो, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सीलेशन कितना, सिक्स टी स्क्वेयर प्लस सिक्स टी माइनस टू। ये आपके पास क्या आ गया, एक्सीलेशन आ गया। अब इसने एक्सीलेशन पूछ रखा है किस पर, जब टाइम आपके पास कितना हो, टू। टाइम इसके पास क्या दे रखा है, टू दे रखा है। तो एट टी इज इक्वल टू टू, अब क्या कर दोगे, टी की जगह क्या पुट कर दोगे, टू। तो ए आपके पास कितना आ जाएगा, देखो सिक्स टू का स्क्वेयर प्लस सिक्स टू माइनस टू, कितना हो जाएगा, फोर ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेल्व, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस टू। यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो टेन तो यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो एक्सीलेशन आपके पास कितना आ गया, 34। आपके पास एक्सीलेशन कितना आ गया, 34। ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी, ऑप्शन फोर आपके पास क्या करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 34 है, ये आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो बच्चों, सेवंथ क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एफ एक्स आपके पास जो फंक्शन दे रखा है क्या, एक्स कोस एक्स, तब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एफ डैश किस पर करना है, जीरो पर, ठीक है। जो आपके पास डेरिवेटिव निकालोगे इस फंक्शन का, डेरिवेटिव करोगे, फिर उस डेरिवेटिव को किस पर चेक करोगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर चेक करोगे कि क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, पहले फंक्शन लेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। वी हैव एफ एक्स कितना दे रखा है, एक्स कोस एक्स, यहाँ पे आप क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, या इसको क्या मान लो, लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये किसके इक्वल है, एक्स कोस एक्स के, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख दोगे, डी वाई बाई डी एक्स, या इसको क्या लिख सकते हो, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई डी एक्स एक्स कोस एक्स, ठीक है, एक्स कोस एक्स। अब ये देखो, ये फंक्शन ऑफ एक्स है और ये फंक्शन ऑफ एक्स है, यू इंटू वी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो, ठीक है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे कितना आएगा, डी वाई डी एक्स, पहले तो क्या रखो, एक को एज इट इज रखो, किसी को भी, एक्स को एज इट इज रख लिया, किसका कर दोगे, कोस एक्स का, ठीक है, प्लस, ठीक है, फिर कोस एक्स को एज इट इज रख लो, और जिसका नहीं किया था उसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, डी वाई डी, ठीक है। अब देखो कोस एक्स का कितना होता है, माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स का, डी एक्स के साथ वन, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है, आ गया। ये आपके पास क्या निकल के आ गया, एफ डैश एक्स, क्या निकल के आ गया, ये आपके पास एफ डैश एक्स। अब आपको क्या फाइंड आउट करना था, एफ डैश एक्स आपको पॉइंट किस पर चेक करना था, एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एफ डैश जीरो कितना हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यानी आप एफ डैश एक्स देख लो, एफ डैश एक्स कितना था पहले, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है, यही था। तो आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे, जीरो। तो एक्स की जगह जीरो पुट करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जीरो साइन जीरो, जीरो होता है, ठीक है, साइन जीरो जीरो प्लस कोस जीरो, ठीक है। यहाँ से देखो, ये तो कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो ये तो क्या हो गई, टर्म जीरो हो गई। कोस जीरो, कोस जीरो कितना होता है, वन होता है आपके पास। तो ये कितना आ जाएगा, एफ डैश जीरो पर आपके पास कितनी वैल्यू दे रहा है, वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन कौन सा है, माइनस वन नहीं है, जीरो भी नहीं है, हाँ वन है। तो इसका मतलब जो आपके पास सी ऑप्शन है, ये आपके पास क्या है, करेक्ट है, और बाकी तीनों क्या आपके पास रॉन्ग है। देखो बच्चों, 8th क्वेश्चन हमारे पास, फंक्शन दे रखा है 8th में क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, जो फंक्शन दे रखा है वो आपके पास क्या दे रखा है, एक्स साइन एक्स। तब आपको फाइंड आउट करना है क्या, एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स फाइंड आउट करोगे किस पर,
जो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है यहाँ पे, जो एफ डैश एक्स है वहाँ पे आपको एक्स कहाँ पे पुट करना है, जीरो पर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि जो एफ डैश एक्स है वो आप कहाँ पे पुट करोगे, नहीं कहाँ पे वैल्यू निकालोगे आप, एक्स जीरो पे, ठीक है। तो एफ डैश जीरो पर आपको क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन वी है, आपके पास सोल्यूशन फंक्शन क्या है, वी है एफ एक्स, कितना दे रखा आपके पास एक्स साइन एक्स, कितना एक्स साइन एक्स, ठीक है। या आप इसको क्या कह दो, लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब क्या कर दो, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट कर दोगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट यहां से कितना आ जाएगा, वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पर क्या कह सकते हो एफ डैश एक्स, यहां पर डी बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स, ठीक है, क्लियर। अब ये देखो, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है और ये भी फंक्शन ऑफ एक्स, क्या कर दोगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक को क्या रखोगे पहले एज इट इज रखोगे, दूसरे का क्या करोगे डिफ्रेंसिएशन, फिर जो दूसरे का डिफ्रेंसिएशन हो चुका उसको क्या रखो सेम, और पहले वाले का क्या कर दो डिफ्रेंसिएशन। तो देखो एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ठीक है साइन एक्स, फिर क्या करोगे यहाँ पे प्लस साइन एक्स को एज इट इज क्या करोगे एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से कितना आ जाएगा साइन एक्स का कोस एक्स, फिर किसका करोगे एंगल का, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, यहाँ से साइन एक्स, ठीक है, यहाँ से डी एक्स वाई डी एक्स क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया एफ डैश एक्स, जो एफ डैश एक्स कितना निकल के आ गया एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है एफ डैश जीरो पे, ठीक है, हमें चेक किस पे करना है एफ डैश जीरो पे, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, किस पर एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स कितना आपके पास एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, यहाँ से एक्स की जगह क्या रख दोगे जीरो पुट कर दो, जीरो कोस जीरो कोस जीरो, ठीक है, प्लस साइन जीरो, ठीक है। अब ये देखो जीरो कोस जीरो कितना होता है वन होता है, ठीक है, प्लस साइन जीरो जीरो। अब ये देखो वन के साथ जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास जीरो। तो एफ डैश जीरो पे कितना आएगा आपके पास, ये फंक्शन क्या वैल्यू देगा आपके पास जीरो वैल्यू देगा, ये फंक्शन आपके पास एक्स इजिकल टू जीरो पर क्या वैल्यू देगा जीरो देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये पहला ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन क्या आपके पास करेक्ट है, और बाकी सी ऑप्शन भी डी भी क्या आपके पास गलत है, ठीक है। तो आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा है बी, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास क्या, डी बाई डी एक्स कोट एक्स स्क्वेयर प्लस वन, आपके पास क्या फंक्शन दे रखा है, क्या आपके पास कोट एक्स स्क्वेयर प्लस वन आपके पास क्या दे रखा है फंक्शन दे रखा है, वाई इज इक्वल टू आपके पास कितना है ये दे रखा है कोट एक्स स्क्वेयर प्लस वन, इसका आपको क्या करना है डिफ्रेंसिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास कितना आएगा, ठीक है। देखो सॉल्यूशन सॉल्यूशन देखो आपके पास क्या निकालना है डी बाई डी एक्स, ठीक है, आप इसको क्या मान लो लेट वाई इज इक्वल टू कोट एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ठीक है, आप क्या मान लो y इजिकल टू कोट एक्स स्क्वेयर वन, आपको क्या करना है डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, वी गेट तो क्या करोगे dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा dy वाई डी एक्स कोट एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ठीक है, इसी का करना आपको डिफ्रेंसिएशन। अब ये देखो कोट इसको क्या ट्रीट करो कंप्लीट को x, कोट एक्स का आपके पास क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, तो यहाँ पे आप क्या कह दोगे माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, एक्स यहाँ पे कितना आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ठीक है, आपके पास बेस का होगा, अब किसका करोगे एंगल का, पहले क्या करते हो पावर का फिर बेस का फिर एंगल का, पावर है नहीं यहाँ पे, क्या था बेस था, फिर क्या करोगे एंगल का, एंगल आपके पास कितना है डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ठीक है। अब इसका कर दोगे यहाँ से कितना आएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ठीक है, यही है। अब ये देखो u प्लस वी आपके पास सम ऑफ टू फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे d बाई डी एक्स
u का अलग प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ वन इसका अलग। ठीक है, यहां से देखो कितना आएगा, किसके इक्वल चल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेट स्क्वेयर एक्स, कितना दे रखा है, एक्स स्क्वेयर प्लस वन। ठीक है, यही दे रखा है। अब ये देखो x टू दी पावर n, n पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, फिर किसका करोगे, x का विद रिस्पेक्ट टू x, वन हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर का कितना आ जाएगा, टू एक्स। ठीक है, वन का कितना हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म है, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस टू एक्स कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वन। ठीक है, ये आपके पास क्या निकल के आ गया, रिक्वायर्ड डेरिवेटिव निकल के आ गया हमारे पास, किसका, किस फंक्शन का, कोट एक्स स्क्वेयर प्लस वन का। अब ये देखो कहाँ पे है, फर्स्ट देखो टू एक्स कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस, बट हमारे पास क्या है, माइनस आया, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। सी देखो, सी भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास माइनस टू एक्स कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देखो बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछ रखा है इसके अंदर, व्हाट इज वाई डबल डैश, आपके पास क्या पूछ रखा है, डबल डेरिवेटिव पूछ रखा है आपके पास, किसका, एक्स वाई इजिकल टू टू, आपके पास फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स वाई इजिकल टू टू, आपको क्या फाइंड आउट करना है, वाई डबल डैश, आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा है। ठीक है, आपके पास क्या निकालना है, वाई डबल डैश, डबल डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो यहां से देखो सोल्यूशन, सोल्यूशन वी हैव, वी हैव कितना दे रखा है, एक्स वाई इजिकल टू टू। ठीक है, एक्स वाई इजिकल टू क्या दे रखा है, टू। यहाँ से हम क्या ले लें, हमें निकालना क्या है, वाई निकालना है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, टू बाई एक्स, दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, वाई को टू बाई एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इट मीन्स वाई इजिकल टू टू वाई, एक्स को मैं ऊपर ले गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स इनवर्स हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट कितना आ जाएगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कितना आ जाएगा यहाँ से, टू बार डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स इनवर्स। अब देखो एक्स टू दी पावर एन, फॉर्मूला लगाओ क्या, पावर आगे आ जाएगी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, माइनस वन, और एक और माइनस कम हो जाएगी, तो माइनस टू हो जाएगा। फिर x का विद रिस्पेक्ट टू x, ये कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास dy वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, dy वाई बाई डी एक्स कितना आ गया आपके पास, माइनस टू, और x माइनस टू, यही आ गया। अब आपको क्या निकालना है, ये तो आपके पास क्या निकल क्या है, dy वाई बाई डी एक्स, आप इसको क्या बोल सकते हो, y डैश भी बोल सकते हो। ठीक है, dy वाई बाई डी एक्स आ गया, उसको क्या बोल सकते हो, y डैश। अब हमें निकालना क्या, ऑल्सो y डबल डैश, इसका मतलब हमारे पास क्या है, एक बार और क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट, डबल डेरिवेटिव, कितना हो जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ माइनस टू एक्स माइनस टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना आएगा, माइनस टू बाहर ले लो, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस टू। ठीक है, अब क्या करोगे, फिर पावर आगे, और एक पावर कम कर दोगे, फिर बेस का करोगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ये पावर आगे आएगी, कितना आएगा, देखो कितना आएगा, यहाँ से माइनस टू था पहले, माइनस टू आगे आ गया, और एक पावर कम हो जाएगी माइनस तीन, फिर क्या करोगे, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस टू टू फोर एक्स माइनस थ्री। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं, फोर एक्स की बाई क्यूब, ये लिख सकते हैं, फोर अपॉन एक्स की पावर क्यूब, यानी x की पावर थ्री। ठीक है, तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया, y डबल डैश, तो y डबल डैश आपके पास क्या निकल के आ गया, y डबल डैश आपके पास निकल के आया है कितना, फोर अपॉन एक्स क्यूब, कितना निकल के आ गया, फोर अपॉन एक्स क्यूब। तो अब ये देखो, फर्स्ट ऑप्शन है, नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड, हाँ यहाँ पे थर्ड आंसर आपके पास मैच कर रहा है, फोर अपॉन एक्स की पावर तीन, तो x की पावर तीन है यही पे, ये माइनस में, ये आपके पास नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन आया है वो हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो एम सी क्यू क्लास के अंदर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 11th है, जो हमारे पास क्या दे रखा है, वाई फंक्शन दे रखा है आपके पास, ठीक है। वाई फंक्शन आपके पास क्या दे रखा है, एक्स टू दी पावर एक्स, यानी आपके पास फंक्शन टू दी पावर क्या दे रखी है, फंक्शन देनी है, और आपको क्या शो करना है, देन वाई डैश आपको क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको वाई डैश फाइंड आउट करना है, तो देखो कैसे करोगे, सोल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। देखो यहाँ से क्या है आपके पास, 11th क्वेश्चन आपके पास क्या है, वी हैव क्या दे रखा है आपके पास, y फंक्शन दे रखा है x टू दी पावर x, इसका मतलब आपके पास क्या है, दैट इज y आपके पास फंक्शन किस में है, x के अंदर, ठीक है। y आपके पास फंक्शन किसके अंदर है, x के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, क्या कर दो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड आप log लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो log y इज इक्वल टू log x टू दी पावर x, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, log m टू दी पावर n, तो इसका क्या होता है आपके पास, n पावर आगे आ जाती है, log m हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, x आगे आ जाएगा, इंटू log x हो जाएगा। अब आप क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अब क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो किसके रिस्पेक्ट, x के, वी गेट यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, ये तो log y के इक्वल चल रहा है आपके पास, यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, y log y का करोगे तो 1 बाई वाई, फिर y का विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से देखो x इंटू log x फंक्शन ऑफ x है, इंटू फंक्शन ऑफ x है, तो क्या लगा दोगे, प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ x log x, ठीक है। यहाँ से क्या करोगे, फर्स्ट को एज इट इज रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस, अब log x को एज इट इज रखो और किसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, x का विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो x log x का करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखो ये मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, देखो x किसका डेरिवेटिव करो, log x का, log x का आपके पास कितना होता है, 1 बाई एक्स, फिर किसका करोगे, x का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, हो गया यहाँ से, प्लस log x, ठीक है, कितना आ गया, log x, dx से dx कैंसिल, यहाँ से dx से dx, यहाँ पे कितना आ गया, 1 प्लस log x, ठीक है, यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, 1 प्लस log x। अब ये देखो इस y को कहाँ पे ले जाओ, दूसरी साइड ले जाओ, dy वाई बाई डी एक्स, आपको क्या चाहिए था, dy वाई बाई डी एक्स, वाई डैश पूछ सकता है, या तो आप इसको क्या बोल दो, dy वाई बाई डी एक्स या वाई डैश बोल दो, एक ही बात है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से dy वाई बाई डी एक्स या वाई डैश क्या हो जाएगा आपके पास, ये y साइड चला जाएगा, 1 प्लस log x, ठीक है। अब ये देखो जो आपके पास y है ना, तो y आपने क्या पुट किया था, x टू दी पावर x, तो आप y की जगह क्या पुट कर दोगे, x टू दी पावर x 1 प्लस log x, ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, y डैश के, ठीक है। y डैश आपके पास कितना आ गया, x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x, देखो फर्स्ट आंसर है नहीं है, इसका मतलब ये गलत है, x टू दी पावर x 1 प्लस log x, हाँ ये है, और c और d आपके पास क्या है, रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ओनली b ऑप्शन आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। देखो 12th क्वेश्चन हमारे पास बच्चों, क्या आपके पास y फंक्शन दे रखा है, क्या x टू दी पावर साइन x, यानी फंक्शन टू दी पावर क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, तब आपको क्या फाइंड आउट करना है, y डैश फाइंड आउट करना है, क्या y डैश, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, dy by dx, ठीक है, यही करना है, ठीक है। तो अब ये देखो मैंने क्या बताया था, जब भी आपके पास फंक्शन टू दी पावर फंक्शन हो, जैसे आपके पास y इज इक्वल टू यू एक्स टू दी पावर वी एक्स हो, ठीक है, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है, तो आप उसमें क्या कर देते हो, बोथ साइड क्या कर देते हो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, क्या ले लेते हो आप, log अप्लाई कर देते हो, ठीक है। log अप्लाई करोगे तो आपके पास किस टाइप का आएगा, जैसे ये आपके पास किस टाइप का बन जाएगा, log m टू दी पावर n टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो log m टू दी पावर n टाइप का हो जाएगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, n पावर आगे आ जाती है इंटू log m, फिर आप क्या अप्लाई कर सकते हो, u इंटू वी अप्लाई कर सकते हो, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हो हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उसके अंदर आप क्या करना, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, फिर आपके पास किस फॉर्म का आ जाएगा, इस फॉर्म का आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये आपके पास इस टाइप से आ जाएगा, n इंटू log m, फिर आप क्या कर दो, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके सोल्व कर दोगे। ये देखो अब इस क्वेश्चन को सोल्यूशन
क्या दे रखा आपके पास, वी है। y कितना दे रखा आपके पास, x टू द पावर साइन x। इसका मतलब आपके पास क्या है, दैट इज y आपके पास फंक्शन किसका है, x का है। y आपके पास फंक्शन किसका है, x का है। तो इसका मतलब आप क्या करो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो किस टाइप का आ जाएगा ये, log y इज इक्वल टू log x टू द पावर साइन x। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या जाएगा, साइन एक्स आगे आ जाएगा, लोग एक्स रह जाएगा। ठीक है, अब आप क्या अप्लाई कर दो, डिफ्रेसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट कर दोगे, एक्स के रिस्पेक्ट। लोग वाई का करोगे तो कितना आ जाएगा, वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स। तो क्या लगा दोगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो, लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ तक। अब ये देखो क्या आ जाएगा आपके पास, पहले एक को एज इट इज रखो, किसी को भी। ठीक है, तो साइन एक्स को हमने एज इट इज रख लिया, डी बाई डी एक्स किसका कर देंगे, लॉग एक्स का। ठीक है, फिर किसको सेम रखेंगे, लॉग एक्स को एज इट इज रखेंगे, और किसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, साइन एक्स का। किसका कर देंगे, साइन एक्स का। ठीक है, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ। तो साइन एक्स का कर दोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये चल रहा है आपके पास। तो यहाँ से कितना आ गया, साइन एक्स, कितना आ गया, साइन एक्स। अब ये देखो लॉग एक्स का कितना होता है, वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स मैंने ये लिखा है। फिर किसका करोगे, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस लॉग एक्स एज इट इज। साइन एक्स का कितना होता है, कोस एक्स, ये मैंने कोस एक्स लिख दिया। फिर कितना, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना आ गया, साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब इस वाई को कहाँ पे ले जाओ, ये तो हमारे पास वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स आया है। तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, वाई इंटू साइन एक्स ओवर एक्स प्लस लॉग एक्स कोस एक्स। ठीक है, y की वैल्यू रख दो कितनी है, x टू दी पावर साइन x ओवर x प्लस लॉग x कोस x। ठीक है, ये आपके पास क्या है, dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स, या इसको आप क्या बोल सकते हो, y डैश बोल सकते हो। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा आपके पास, x टू दी पावर साइन x ओवर x प्लस लॉग x कोस x। तो आपके पास जो a ऑप्शन है वो आपके पास करेक्ट है, और बाकी तीनों ऑप्शन आपके पास क्या है, रोंग है। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन 13 आपके पास बच्चों क्या दे रखा है, इफ y इज इक्वल टू log बेस टू, log बेस टू इंटू एक्स। ठीक है, log बेस टू x दे रखा है आपके पास, देन y डैश आपको फाइंड आउट करना है, यानी dy वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स। आपने पढ़ा था बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये आपके पास, क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा इनमें से कोई भी एक। ठीक है, देखो आपके पास क्या था, डी वाई डी एक्स लॉग बेस ए एक्स, लॉग बेस ए, लॉग का कितना बेस, ए इंटू एक्स। आपके पास ये फॉर्मूला कितना होता था, वन बाई एक्स इंटू log a, ये आपके पास फॉर्मूला होता था, कितना, d बाई डी एक्स लॉग बेस ए एक्स, कितना होता था आपके पास, वन बाई एक्स लॉग ए। तो यहां से आपके पास कितना है, देखो d बाई डी एक्स लॉग बेस कितना है, टू एक्स, एक ही जगह क्या रख दो इसमें, टू रख दो, कितना आ जाएगा, वन बाई एक्स लॉग, एक ही जगह कितना, टू। तो ये आपके पास क्या आ गया, वन बाई एक्स लॉग टू, ये आपके पास क्या आ गया, ऑप्शन आ गया, फर्स्ट रोंग है। ये आपके पास कितना, वन बाई एक्स लॉग टू, ये आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, और बाकी सी एंड डी आपके पास क्या है, रोंग है। ठीक है, देखो बच्चों आपके पास फॉर्मूला होता है ना, डी बाई डी एक्स लॉग बेस ए एक्स कितना होता है, वन बाई एक्स लॉग ए होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए की जगह क्या रख दो, टू रख दो, तो आपके पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, देखो बच्चों फोर्टीन क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है आपके पास, क्या दे रखा है, फंक्शन आपके पास दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन। ये आपके पास फंक्शन दे रखा हैज ए क्रिटिकल पॉइंट एट, और उसका क्या पूछ रखा है, क्रिटिकल पॉइंट। आपके पास जब भी क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे भी वर्डिंग आ जाए आपके पास, ठीक है,
तो आपके पास क्या निकालोगे, पहले तो इसका एफ डैश एक्स निकालोगे, ठीक है, एफ डैश एक्स निकालोगे। और एफ डैश एक्स निकालने के बाद आप क्या पुट कर दोगे, टेकिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। जब भी आप एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। पहले आप एफ एक्स है उसका क्या निकालोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे, उसके बाद एफ डैश एक्स को क्या टेकिंग कर दोगे, टेकिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो वहाँ से आपके पास x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो आपके पास क्या है, क्रिटिकल पॉइंट आएगा, ठीक है। तो देखो एक बार फंक्शन आपके पास क्या दे रखा है, सॉल्यूशन देखो, द गिवन फंक्शन इज, द गिवन फंक्शन इज, फंक्शन इज कितना दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट यहाँ से कितना जाएगा आपके पास, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन, यही करोगे। तो यहाँ से आपके पास क्या करोगे, यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, अलग अलग करोगे सभी का, तीनों फंक्शन का। तो यहाँ से डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का अलग, माइनस थ्री कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स सेवन, ठीक। अब ये देखो एक्स स्क्वायर है कितना आ जाएगा, टू एक्स, फिर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन हो जाएगा, ये एक्स का एक्स के साथ वन हो गया, माइनस थ्री, कॉन्स्टेंट का क्या हो गया, जीरो। तो आपके पास एफ डैश कितना आ गया, एक्स, एफ डैश एक्स कितना आ गया, टू एक्स माइनस थ्री आ गया। आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो टेकिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एफ डैश एक्स को क्या पुट कर दो, जीरो पुट कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, टू एक्स इज इक्वल टू थ्री, एक्स कितना आ जाएगा, थ्री बाई टू, एक्स आपके पास कितना आ जाएगा, थ्री बाई टू, वो आपके पास क्या आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन फर्स्ट नहीं है, बी भी नहीं है, डी ऑप्शन आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। देखो 15th क्वेश्चन हमारे पास, फंक्शन दे रखा है बच्चों क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स दे रखा है, ठीक है। फंक्शन क्या दे रखा है आपके पास, साइन स्क्वेयर एक्स। आपको फाइंड आउट क्या करना है, जो डेरिवेटिव आएगा वो किस पॉइंट पे चेक करना है आपको, पाई बाई फोर पे, यानी आपके पास जो एक्स आएगा वो आपको क्या आएगा, पाई बाई फोर पर चेक करना, आपके पास डेरिवेटिव निकालोगे, उसके अंदर डेरिवेटिव निकालने के बाद एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे, पाई बाई फोर पुट कर दोगे, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, द गिवन फंक्शन इज, द गिवन फंक्शन इज कितना दे रखा है बच्चों आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स, कितना दे रखा है, साइन स्क्वेयर एक्स। इसका मतलब जो आपके पास फंक्शन है वो किस में है, एक्स में, ठीक है। तो आपके यहाँ से क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स, यहाँ से डी बाई डी एक्स साइन स्क्वेयर एक्स, कितना, साइन स्क्वेयर एक्स। ये स्क्वेयर आपको पास, इसको क्या लिख सकते हो, साइन एक्स टू द पावर होल स्क्वेयर, ठीक है। अब क्या करोगे, टू पावर आगे आ जाएगी, ठीक है, फिर किसका करोगे, एक पावर कम हो जाती है, साइन एक्स, फिर किसका करोगे, पावर का हो गया, फिर किसका करोगे, बेस का, तो बेस कितना आपके पास, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का कितना आ जाएगा आपके पास, डी एफ डैश एक्स, यहाँ से एफ डैश एक्स चल रहा है आपके पास, कितना आ जाएगा, टू साइन एक्स, ठीक है। यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कितना होता है, कोस एक्स, फिर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ गया, टू साइन एक्स कोस एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन टू एक्स लिख सकते हैं, साइन टू एक्स, तो ये हमारे पास कितना आ गया, एफ डैश एक्स हमारे पास कितना आ गया, साइन टू एक्स आ गया। अब हम किस पे पॉइंट पे चेक करना, पाई बाई फोर पे, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर, तो हम यहाँ पे एक्स की जगह क्या रख देंगे, पाई बाई फोर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन टू इंटू पाई बाई फोर, कितने पे कैंसिल होगा, टू पे, तो साइन पाई बाई टू, साइन 90 डिग्री कितना होता है,
साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो ये आपके पास कितना आ गया एफ डैश पाई बाई 4, आपके पास कितनी वैल्यू दे रहा है, 1 दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन डी आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा, ठीक है। देखो